नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम, आपका स्वागत, आपका अभिवादन। मैं आपका दोस्त कमल नंदलाल हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रावण का पवित्र महीना है। श्रावण जो है भगवान शंकर का गौरी से मिलन है। सावन जीवन में उमंग और तरंग लेकर आता है। सृजन का महीना है सावन, प्रजनन का महीना है सावन। ज्योतिष के अनुसार, एक क्लासिक थ्योरी के अनुसार, हम आपको आज बताएंगे कि कैसे और कौन सा फूल आप भगवान शंकर पे, शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपने संसार को महकाएं, ताकि महक उठे आपका संसार, जीवन से दुर्गंध, दुर्भाग्य, दुर्भावना दूर हो और जीवन महक उठे, खिल उठे कमल की तरह है। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ईशोपनिषद में पांच देवों का पूजन बताया गया है, गणपति, सूर्य, गौरी, विष्णु और परमेश्वर शिव। ये पांच देवों के पूजन के बगैर सारी पूजाएं अधूरी हैं, अध्यात्म भी अधूरा है। देवों को देव महादेव सावन के महीने में विशेष कृपा बरसाते हैं। चंद्रमा जल बनकर मेघों से टपकता है, शुक्रवारी है, अर्थात मिट्टी है शुक्र, जिसको वो गीला करता है। पुरुष और प्रकृति, यानी कि योनि और लिंग, भगवान शंकर और गौरी अपने सृजन और प्रजनन से अंकुर पैदा करते हैं, बीज डालते हैं, जो प्रकृति जन्म लेती है। पेड़ पौधे, हर जगह हरियाली और फूल भी उन्हीं में से है, लेकिन फूल कभी कुछ लेते नहीं हैं, हमेशा देते हैं। इसी कारण पंच तत्वों में फूल को आकाश तत्व माना गया है। जैसे दिया अग्नि तत्व को संबोधित करता है, उसी प्रकार फूल आकाश तत्व को संबोधित करते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कौन सा फूल महादेव पर चढ़ाएं, कौन सा फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपने जीवन को महकाएं, अपने जीवन से दुर्भाग्य, दुर्भावना और दुर्गंध, इसको दूर हटाएं और खिल उठे आपका संसार, भाग्य हो, सौभाग्य हो, धन हो, हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं वो आपके कदमों में हो। हमारा उद्देश्य यही है और ज्योतिष का उद्देश्य भी यही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिवलिंग पर सर्वश्रेष्ठ फूल चढ़ाने के लिए होता है नील कमल। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में अगर एक बार भी अगर आपको नील कमल मिल जाए और अगर आप उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें पूरे भावना के साथ में, तो आपके जीवन की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, आपकी, आपको सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, आपको सभी निधियों की प्राप्ति हो जाती है। अत्यंत दुर्लभ है नील कमल, लेकिन अगर मिल जाए तो ज़रूर उसे चढ़ाएं। दूसरा फूल जो है वो है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल जो है वो ब्रह्मत्व का प्रतीक है, स्वयं ब्रह्म का, परमेश्वर का प्रतीक है। अगर आप जीवन में मोक्ष पाना चाहते हैं, नवनिधि पाना चाहते हैं, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर में सम्मिलित हो जाना चाहते हैं, तो जीवन में एक बार ब्रह्म कमल जरूर चढ़ाइए। अब हम जीवन से जुड़े कुछ फूलों की बात करते हैं जो आम तौर पर मिलते हैं। उनमें से सबसे प्रिय भगवान शंकर को बहुत कम लाल फूल बहुत कम प्रिय होते हैं, लेकिन भगवान शंकर जो है, महादेव जो हैं, वो एक लाल फूल से अति प्रसन्न होते हैं, वो है लाल कनेर। अगर आप जीवन में शक्ति, विजय, युद्ध में सफलता, दुर्भाग्य से मुक्ति चाहते हैं, शारीरिक बल चाहते हैं, तो भगवान शंकर को कम से कम तीन लाल कनेर के फूल ज़रूर चढ़ाइए और मंगलवार के दिन चढ़ाइए, जीवन से सारे अमंगल का सफाया हो जाएगा। बात करते हैं एक ऐसे सुगंधित फूल की जिससे वशीकरण होता है, जिससे सम्मोहन होता है। अगर आप अपने पारिवारिक जीवन में कुछ खिटपिट देखते हैं, अगर आपका जीवन साथी आपकी तरफ आकर्षित नहीं है, तो आप किसी भी मंगलवार पर आठ चमेली के फूल भगवान शंकर पर चढ़ाएं और अपने जीवन को महकाएं। इससे काम सुख मिलेगा, शारीरिक बल मिलेगा और लोग जो हैं आपसे मोहित होंगे।
अगर आप जीवन में सुख संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, धन, भौगोलिक सुख चाहते हैं तो आप कमल का फूल भगवान शंकर पे चढ़ाइए। लेकिन ध्यान रखिए, फूल खिला हुआ हो। कमल के फूल अक्सर जो लोग बेचते हैं बंद फूल बेचते हैं, अगर खिला हुआ कमल चढ़ाएंगे तो आपका जीवन महक उठेगा, खिल उठेगा आपका संसार, ऐश्वर्य, भोग, सब चीज़ की प्राप्ति होगी आपको। अगर आप जीवन में सुख संपन्नता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लग्जरीज बढ़े, तो गुलाबी कनेर का फूल 5 शुक्रवार या 7 शुक्रवार भगवान शंकर पर ज़रूर चढ़ाएं, शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। और स्पेशली सावन का जो महीना है वो गुलाबी कनेर को चढ़ाने का सबसे सर्वाधिक प्रिय महीना कहा जाता है। ज़रूर चढ़ाएं, जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य होगा। अगर आप अपना बौद्धिक विकास चाहते हैं, अगर रोगों से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप शिक्षा में सफल हों, बिजनेस में सफल हों, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, तो 5 बुधवार या सावन का 1 बुधवार भी आप 5 फूल मालती के चढ़ा दीजिए। आप ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। मालती के 5 फूल आप 5 बुधवार चढ़ाएं या किसी 1 बुधवार पर चढ़ा दें भगवान शंकर पर, तो आपका बिजनेस 2 गुना सफलता देगा आपसे। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रोग सता रहे हैं, आप शारीरिक दुर्बलता से ग्रसित हैं, अगर आप शारीरिक बल की प्राप्ति चाहते हैं जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि आप रोगों से फाइट करें और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, तो आपको क्या करना है, आपको आपामार्क, जिसे हम कहते हैं वज्रदंती, उसके फूल बुधवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। सावन के महीने में कल्याण ही कल्याण होगा। अगर आप जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य चाहते हैं, पैसे की कमी को जीवन से दूर करना चाहते हैं, आप लाइफस्टाइल चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, लग्जरीज चाहते हैं, तो हर श्रृंगार का फूल, चाहे एक ही फूल मिल जाए आपको, बहुत मुश्किल होता है, जिसे हम कहते हैं पारिजात। और इसकी खासियत है कि इस फूल को तोड़ा नहीं जाता, ये फूल वही प्राप्त करने चाहिए जो गिर जाए। इस स्पेशल फूल के बारे में ये एक बहुत स्पेसिफिक इसकी कंडीशन है कि इसे तोड़ा नहीं जाता। ये आप चढ़ा दें और शुक्रवार के दिन चढ़ाएं, हर तरीके की समस्या का समाधान होगा। अगर आप जीवन में किसी भी तरीके के गुप्त रोग से पीड़ित हैं वो भी दूर होगा। अब बात करते हैं हम, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, स्टूडेंट हैं, सफलता चाहते हैं जीवन में, उन्नति चाहते हैं जीवन में, अगर आप IAS का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो आप गुड़हल का फूल, एक लाल गुड़हल होता है, गुड़हल के अलग अलग प्रकार है, नीला भी होता है, पीला भी होता है, जिसमें से एक डंडी निकली हुई होती है जो ज़्यादातर लोग गणपति पे या महाकाली पे चढ़ाते हैं, वो फूल भगवान शंकर को भी प्रिय है, तो उस गुड़हल के फूल को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। और कौन से शिवलिंग पर चढ़ाएं? नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाएं, संडे के दिन, एक ही संडे, और पूरी मनोकामना के साथ चढ़ाएं, निश्चित सफलता पाएंगे। अगर आप मनोरोग से पीड़ित हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं कि आपका भी एक आशियाना हो, तो उसके लिए क्या करें आप सोमवार के सोमवार, जितने सोमवार आप कर सकते हैं, सफ़ेद कनेर के फूल या चांदनी के फूल भगवान शंकर पे चढ़ाएं। और सफ़ेद शिवलिंग अगर हो तो सर्वश्रेष्ठ है वो। अगर आप जीवन में सौभाग्य चाहते हैं, भाग्योदय चाहते हैं, आप लकी बनना चाहते हैं, तो क्या करें आप, गेंदा के फूल चढ़ाएं। जीवन साथी से भी सुख मिलेगा आपको और दुख जीवन से दूर होंगे। गेंदा के फूलों की माला चढ़ाएं और कम से कम भी 3 बृहस्पतिवार ज़रूर करें। बृहस्पतिवार की शाम को आप ये ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं जीवन से हानि से मुक्ति, अगर आप चाहते हैं जीवन में आप लॉसेस को झेल रहे हैं, आर्थिक लॉसेस को झेल रहे हैं, तो क्या करना है आपको, पीले कनेर के फूल या सूर्यमुखी के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं और बहुत शुभ आपके जीवन में शुभता आएगी, जीवन में हर काम में शुभता आ जाएगी आपके। अगर आप जीवन से दुर्भाग्य से पीड़ित हैं, अगर आप पाप मुक्ति करना चाहते हैं, अगर आपने जीवन में बहुत पाप किए हैं,
अगर आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में आप सुस्ती का शिकार हैं, कर्मठता नहीं है आप में, अगर आप शनि बाधा से पीड़ित हैं, तो आपको नीले आंकड़े के फूल चढ़ाने चाहिए। आंक का भगवान शंकर को अति प्रिय है, नीला आंक वो चलाएं आप। अगर आप जीवन में विवादों से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से रोग विकार दूर रहें, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा रोग हो चुके हैं, जो अपनी इम्यूनिटी खो चुका है, जिसको अननोन डिजीजेस हो जाती हैं, त्वचा रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, किसी तरह की ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसको नीले कनेर के फूल शनिवार में प्रदोष काल में भगवान शंकर के काले शिवलिंग पर अगर वो चढ़ाए तो जीवन में इन चीज़ों से मुक्ति पा सकता है। अगर आप जीवन में हर जगह पराजित हो चुके हैं, जीवन से हार चुके हैं, थककर निराश हो चुके हैं, अगर आप किसी जादू टोने के इफेक्ट में हैं, अगर आपको रोग लगे हुए वो भी पुराने क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो एक गुरुवार की संध्या पे आप अपराजिता का फूल लेकर भगवान शंकर के निमित्त पूरी प्रार्थना से, पूरे भाव से उसे प्रस्तुत कर दें, तो आपके जीवन में ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और आप पराजित नहीं होंगे, क्योंकि फूल का नाम ही है अपराजिता। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि आप जीवन में कौन सा फूल चढ़ाएं ताकि महके आपका संसार, दुर्भाग्य, दुर्भावना और दुर्गंध आपके जीवन से दूर हो। हम अगले प्रोग्राम में आपको और रोचक तथ्य बताएंगे सावन से संबंधित ही। तब तक कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, नमः शिवाय।